जी मैंने सुना है अभी के किसी ने मुझ पे 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी कीमत 500 हजार करोड़ से भी ज्यादा है, तो 500 हजार करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है? आप ये देख सकते हैं, जूते पे कैमरा डालिए, ये 500 करोड़ तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं, आप देख सकते पूरे हीरे जवाहरात। और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक ढककर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता? मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी। आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूं, क्योंकि सबने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूं, तो अब मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मैं खुदा से मैं दुआ करूंगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग जो इस्लामिक नहीं है उनसे भी दुआ करूंगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए। अभी मैं उमरा से आई हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना ये लुक्स बरकरार रखूंगी। वर्ल्ड में जितने भी अबाया ये बनाते हैं, बुरखे अबाया, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करें, मैं हर वक्त अलग अलग स्पॉन्सरशिप में अबाया पहनना चाहूंगी। और डायमंड के नेकलेस और ये पर्स और जूते भी देखिए, मुसलमान है। अरे चलो जाने दो, छोड़ो, अरे बोला था कि नकली मुसलमान। इन्होंने इन्होंने मुझ पर फर्जी आरोप लगाया, इसलिए मैंने इन्हें फर्जी मुसलमान। और थोड़ी देर पहले आपने बोला, मुझे आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ, जिस दिन मैं उमरा जा रही थी, मुझे मेरे करियर की, मेरे कर्म भूमि की कसम, मुझे मेरी माँ की कसम, उस दिन मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया गया। नहीं आप लोगों ने, नहीं मैं वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, नाम मैंने दिए, आदिल तुम्हारा, राष्ट्रीय का। लेकिन मैंने राखी जिंदगी में कब आपके मैंने साथ, कब आपके साथ गलत किया? नहीं मैं एक बात बता रही हूँ, और बगैर सबूत के।